बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन को भारी मशक्कत करना पड़ रही है। बांग्लादेश की टीम को शुक्रवार को जुम्मे की नमाज फूलबाग स्थित मोती मस्जिद में करना थी, लेकिन सुरक्षा के कारणों के चलते होटल में ही नमाज अदा करवाई है। शहर गाजी ने बांग्लादेश टीम के 12 खिलाड़ियों को नमाज पढ़ाई। T20 सीरीज का पहला मैच खेले ग्वालियर आई बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भारी चौकस है। शुक्रवार को बांग्लादेश की टीम को जुमे की नमाज अदा करनी थी। बांग्लादेश की टीम को ग्वालियर के फूलबाग स्थित ऐतिहासिक मोती मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे नमाज अदा करना थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था भी लगी थी, लेकिन टीम को होटल के अंदर ही नमाज अदा कराई गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर गाजी से गुजारिश कर होटल में नमाज अदा करने की व्यवस्था कराई है। शहर गाजी अब्दुल अजीज कादरी ने अपने सहयोगियों के साथ होटल पहुंचकर बांग्लादेश की टीम के 12 मुस्लिम खिलाड़ियों को नमाज अदा कराई। सुरक्षा व्यवस्था के चलते इंटेलिजेंस की टीम होटल में मौजूद थी। उधर हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को होने वाली T20 क्रिकेट मैच के आयोजन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आज ज़िला प्रशासन की जानिब से जुमे की विशेष नमाज की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई, जो होटल रेडिसन में अदा कराई गई। इसमें टीम बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी और हाफिज़ रियान साहब, मेरे छोटे भाई समद कादरी मौजूद थे और मेरे द्वारा जुमे की विशेष नमाज अदा कराई गई। होटल में ही क्यों कराई गई, मस्जिद में जाने? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से नमाज जो है वो होटल में ही अदा कराई गई। इस सिक्योरिटी पर्पस की वजह से फ़ोटोज़ और वीडियोस भी नहीं लेने दिए गए। किसने संपर्क किया था इसमें मुझसे ज़िला प्रशासन से संपर्क हुआ था। क्या वजह बताई जा रही थी, उन्होंने क्या आपसे रिक्वेस्ट की थी? नहीं, मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि काजी साहब जुमे की विशेष नमाज टीम बांग्लादेश को पढ़ानी है आपको, और ख़ास तौर से ये होटल में ही अदा की जाए। बांग्लादेश खिलाड़ियों से बातचीत भी हुई आपकी? नहीं, मेरी ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हुई। होटल में कहाँ ये व्यवस्था की गई? ये होटल में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के हॉल में ये व्यवस्था की गई थी। कितने बजे नमाज हुई? नमाज ये हुई है 2 बजे। कितने खिलाड़ी? 12। सभी 12 खिलाड़ी? जी, सभी 12 खिलाड़ी। और मेरे साथ भी कुछ लोग जो गए थे, उन्होंने भी साथ में नमाज पढ़ी है। करीब हम लोग 18-20 लोग हो गए थे। सिक्योरिटी लिहाज से क्या व्यवस्था थी? सिक्योरिटी लिहाज से सभी पूरी व्यवस्था थी, पूरा फुल सिक्योरिटी थी वहाँ। ग्वालियर की सभी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी। क्या कहना चाहते हैं नमाज को लेकर? ये सब देखिए, हिंदू महासभा ने पहले दिन से ही स्पष्ट कहा था कि हम बांग्लादेश की टीम को ग्वालियर में नहीं खेलने देना चाहते। और किसी देश से टीम ग्वालियर में खेलेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन तानाशाही रवैया जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपनाया और ग्वालियर के अंदर जो है बलिदानी भूमि पर आज उस बांग्लादेशियों को भेजा, जिस बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनीतिक दूत वापस जो है बांग्लादेश बुला लिए, हिंदुस्तान का भारत का अपमान किया, उसके बाद लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, मंदिर को तोड़ा गया, अजान के समय से 10 मिनट पूर्व जो है हिंदू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा पाठ नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति की टीम ग्वालियर के अंदर आई हो और वो मोती मस्जिद के अंदर आकर जो है नमाज अदा करे, ये कदाचित लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए हमने खुलेआम कहा था कि हिंदू महासभा इसका विरोध करेगी, और विरोध करने के तहत यदि जिला प्रशासन ने उन्हें नहीं आने दिया तो जिला प्रशासन का दायित्व है, वो उनको उनकी सुरक्षा करनी है, करेंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर क्या पड़ती है? हमारा स्पष्ट कहना है, जो हमारे मंदिरों पर जो है 10 मिनट पहले अजान के लिए रोक दे, तो वो व्यक्ति जो भारत में राजनीतिक दूतों को वापस बुला ले, भारत के राजनीतिक दूतों से, भारत से ऐसे बांग्लादेशियों से कोई भी कार्य होगा, हिंदू महासभा पूर्ण जोर विरोध करेगी। 6 तारीख को हिंदू महासभा ने खुला घोषणा की है कि 1 बजे तक लश्कर बंद रहेगा, हिंदू महासभा 1 बजे तक लश्कर को बंद कराएगी, निश्चित रूप से बंद रहेगा।